भाई सब कुछ बहुत लग्जरी है। चलो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे हो गए और हम भी बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, हमारे विला का टूर अलग से दूंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विला का बहुत अच्छा है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है, फ्लाइट का भी और होटल बोलो या विला बोलो, बहुत मस्त है। तो ये उठ रही है, तू बना रही है वीडियो, उठ रही है बना रही है वीडियो मेरी, हाँ तो ये मेरी वीडियो बनाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे। और काजल तो गए हैं नहाने, तो चलो तब जैसे भी है वो दिखा लेते हैं। तो गाइस ये हमारे रूम से बाहर का, तो ये हमारा सुंदर सा विला। तो फर्स्ट हम अंदर एंट्री करते हैं, हमारे यहाँ पे लिविंग रूम है जो बहुत बड़ा है, बस आते हम आगे मूवी देखने भी लग गए थे, आप हम काफ़ी पहले गए थे ना, तो फिर हम आए और ये पहली ड्राइंग रूम देखे। ये लिविंग रूम हो गया हमारा, जहाँ पे हम बैठ के टाइम पास करेंगे। और ये आया हमारा स्विमिंग पूल, जहाँ पे हम आके पहले ही चले गए थे और फिर हम फिर नहाने गए, तभी हम अब चेंज करके हमने यहाँ पे इतनी मज़े मारे थे। और ये हमने ना मजाक में एक दूसरे को धक्के मारे और उन्हीं कपड़ों में हम चले गए थे स्विमिंग पूल में, मैंने चलो अब नहा के आते। तो ये हमारा स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे हमारे पास साथ में थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी है, रात बैठे हम यहाँ पे जा कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। वैसे हम आपको यहाँ पे खुद बनाने के लिए भी है कि अगर हमें कुछ खुद भी बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे किचन भी है, हम खुद बना सकते हैं और टीवी भी है साथ और यहाँ पे आके हमारे पास मिरर भी आता है, एक इधर और दूसरा साथ में परे को भी है, दो मिरर से हम तीन जने ना, तो दो मिरर इधर है, बाकी हमारे पास रूम भी टू रूम है। तो वैसे हम सोने तो इकट्ठे ही वाले, लेकिन फिर भी चलो दिया है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अब हमारे पास आता है यहाँ पे किचन हाउस, बट हमारे को लगता है नहीं कि हम कुछ बनाने वाले, क्योंकि हमारे को इतनी नॉलेज भी नहीं है गोवा की कि हम बिल्कुल ही अब कहाँ से ग्रॉसरी का सामान लाएंगे। हमने जस्ट ये कि हम इधर इसी का ऑर्डर कर लेंगे, बाकी ओवन वगैरह कैटल है, कॉफ़ी और चाय वगैरह हमारे पास है, हर एक चीज़ कॉफ़ी और इनका सामान है, तो बस। और फ्रिज भी भाई सब कुछ बहुत लग्जरी है। अजल भी आ चुके हैं ना के और आप रियाना ये दिखा रहे थे गाइस, यहाँ पे हमारे को क्या क्या चीज़ें मिलती है ये भी, और साथ में सारी चीज़ें है यार। क्या आए थे देखो, जो जो चीज़ें हमारे को मिली है इसके साथ यहाँ पे, और ये डस्टबिन बस देखो गाइस, सारे बर्तन है भाई और ये मूव करो जिधर जिधर, ये भी छोटा अब। और हमारे पास यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है जो हम रात को यूज करेंगे बाहर से खाना मंगाने के बाद। तो यहाँ पे ये आ गया ना हमारा, तो लिविंग रूम का साथ में हमारे वॉशरूम भी दिया है, और जिसमें हमारे वॉशिंग मशीन भी दी है कि अगर हम कपड़े धोना चाहें तो धो सकते हैं। ये लिविंग रूम का वॉशरूम, साथ में सिलेंडर भी है गाइस तो आओ अब चलिए हम यहाँ से पकड़ ले इसको, बदल ले ऐसा को याद है लॉक के लिए, और चलो अब चलो हम अपने बेडरूम में। तो यहाँ से अंदर आके हमने गंदा डाल दिया है, क्योंकि हमने हमने आगे बड़ा बिस्तर पे बेडरूम डाल दिए थे, तो आओ
देखो हमारा रूम। तो हमने ऐसे सोए के तो हम इकट्ठे ही एक ही रूम में, लेकिन हमने फिर भी ऐसे ही रखा है कि चलो सामान अरे बरे, क्योंकि दो दो ये वॉशरूम्स वगैरह। तो हमारी तो गैलरी हर इसमें, तो इधर भी ये गैलरी यहाँ की बड़ी है, दूसरे रूम की बढ़िया वो दिखाएगी। चलो और बाकी यहाँ पे देखो कितनी सही सही चीज़ें, और साथ में अलमीरा भी है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत मिरर। और यहाँ पे भी है हर इसके साथ रूम के साथ अटैच वॉशरूम, और ये वॉशरूम्स भी बहुत सुंदर है। चलो अब इसका हो गया, अब आया सेकंड रूम, चलते हम सेकंड रूम में। देखो ये अलग सा है, इसमें कर्टन्स होते तो कितने अच्छे लगते हैं, बट चलो नहीं दिए थे कभी कोई नहीं। और यहाँ पे गैलरी, हमने गैलरी में कपड़े डाले हैं इसलिए हमने नहीं दिखाई जो हमने बदले थे, तो गैलरी अच्छी है यहाँ की, यहाँ से नीचे स्विमिंग पूल ही दिखता है। और ये वॉशरूम है तो सेम है, तो क्या ही दिखाना। बस चलो हो गया हमारा टूर। मैंने आपको अपना विला का टूर करवा दिया है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं। तो बस ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ विला का टूर का था, तो बस इस व्लॉग को करते हैं खत्म, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।